अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मैं पिछले 6 साल से एज़ अ हेड प्रैक्टिशनर फिजिकल थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुनने में आता है कि वर्जिशें सिर्फ सेहतमंद लोगों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सेहत के कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिनमें वर्जिशें और फिजियोथेरेपी से उन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। आज मैं कूल्हे के जोड़ की तब्दीली के बाद उस जोड़ की हरकत को बेहतर बनाने के लिए कुछ मुफीद वर्जिशें आपको बताऊंगा। ये वर्जिशें आप आसानी से घर पे खुद भी कर सकते हैं। इसमें एहतियात की इस तरह ज़रूरी है कि आपको नीची जगह पे नहीं बैठना और टांगों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखने से परहेज़ करनी है। इसमें सबसे पहली वर्जिश पाँव के एंकल पम्पिंग है। इसमें पंजे को सबसे पहले अपनी तरफ खींचना है और फिर इसको दोबारा अपने जिस्म से दूसरी तरफ, और इस अमल को 20 से 25 दफ़ा या अपनी ताकत के मुताबिक इसको दोहरा सकते हैं। ये वर्जिश पैरों में सूजन से बचने और टांगों में खून जमने से बचने के लिए मुफीद है। दूसरी वर्जिश बिस्तर पे या हमवार सतह पर लेट के की जाएगी। इसमें घुटने को नीचे की जाने प्रेस करेंगे और टांग के ऊपर के मसल्स में तनाव आएगा। इस मोमेंट को 5 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे और इसको 10 से 15 दफ़ा रिपीट करें। तीसरी वर्जिश में एड़ी को बिस्तर के ऊपर स्लाइड करके पीछे की जानिब लाएंगे और घुटने को बेंड करेंगे। अगली वर्जिश भी हमवार सतह पर लेट के करेंगे। इसको करने के लिए घुटने के नीचे कोई भी तौलिया, चादर या फोम रोलर जिस तरह के रखा हुआ है, इसको रखकर घुटने से नीचे की जानिब दबाएंगे और एड़ी को हवा में उठाएंगे। इस पोजीशन को भी 5 से 7 सेकंड तक मेंटेन करेंगे और उसके बाद रिलीज़ करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगली वर्जिश भी हमवार सतह पर लेट के की जाएगी। इसमें टांग को बिल्कुल सीधा, उंगलियों को छत की जानिब करके टांग को बाहर की जानिब लेके जाएंगे और फिर इसी तरह वापस लेके आएंगे। इस वर्जिश को भी 10 से 15 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगली वर्जिश में कुर्सी पे बैठ जाएं और इसमें टांग को सामने को सीधे उठाएंगे और 5 से 7 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर इसी तरह वापस छोड़ेंगे और इस अमल को भी 10 से 15 दफ़ा दोहराएंगे। इन वर्जिशों को आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं और अगर इनमें किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस करें तो अपने मालिक या फिजियोथेरेपिस्ट से रابطہ करें। उम्मीद है इन वर्जिशों से आपको बेहतरी महसूस होगी। इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने के लिए हमारे फिजियोथेरेपिस्ट घरों में जाकर मरीज़ों को मुख्तलिफ वर्जिशें सिखाते हैं और हिप रिप्लेसमेंट या कूल्हे के जोड़ की तब्दीली के बाद घर के फर्नीचर में एडजस्टमेंट, कुर्सी की एडजस्टमेंट, उनके वाशरूम में एडजस्टमेंट्स और वर्क एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट के लिए भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट घर में जाकर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं।